फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम वैशाली और आज का वीडियो है स्पेशल बिकॉज आज के वीडियो में जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही सुंदर सा एक वॉल पीस है जो कि आपके डाइनिंग एरिया या डाइनिंग रूम के वॉल डिकोर के लिए परफेक्ट है और एक रॉयल लुक देता है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा क्रिएटिव होते हैं और कुछ स्पेशल बनाते हैं। चलिए देखते हैं आपको क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको चाहिए प्लास्टिक प्लेट्स। मैं फ़िलहाल दो प्लेट्स पे पेंट कर रही हूँ। आपकी वॉल के अकॉर्डिंग आप प्लेट्स का साइज़ चेंज कर सकते हैं, लाइक आप स्मॉल, देन फिर मीडियम साइज़, देन लार्ज साइज़, ऐसे अलग अलग साइज़ की प्लेट्स को पेंट अगर करते हैं और उसको वॉल पर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा लुक देती है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ दो प्लेट्स पर पेंट करना बता रही हूँ। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से लाइक जो भी आपको पसंद हो ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। एंड आपको यहाँ पे लगेंगे एक्रीलिक कलर्स, कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स लगेंगे, सिजर्स लगेगा, ग्लू लगेगा। जो कोन्स हैं एक्रीलिक कलर के वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में डेफिनेटली शो करूँगी कि आप किस तरह से एक्रीलिक पेंट्स को कोन में डालकर उसको यूज़ कर सकते हैं पेंटिंग के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में आई एम डायरेक्टली जस्ट शोइंग कि आप कैसे पेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स यूज़ किए हैं, उसको ग्लू से यहाँ पर स्टिक किया है। इसका रीज़न ये है कि कुछ स्टोन्स अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे आपके पेंटिंग को एक 3D लुक मिलेगा। तो आप स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, पर्ल्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप सबने सिरेमिक प्लेट्स में पेंटिंग देखे होंगे। हम यहाँ पे सिरेमिक प्लेट ना यूज़ करते हुए प्लास्टिक की प्लेट्स का यूज़ करेंगे जो कि लुक आपको सेम ही देगा और बहुत इजी है आपको वॉल पर हैंग करना। सिरेमिक प्लेट्स को हैंग करने के लिए वॉल पे यूजुअली लाइक आपको उसके हुक्स और बहुत सारी चीज़ें लगाना होता है, वॉल में ड्रिल करना होता है। लेकिन प्लास्टिक प्लेट्स को हैंग करने के लिए आपको यहाँ पे ना तो किसी ड्रिल की ज़रूरत है ना किसी हुक्स की ज़रूरत है। ऑल यू नीड इज़ अ डबल साइडेड टेप। और प्लास्टिक प्लेट्स बहुत लाइट वेट होती है तो यू कैन जस्ट स्टिक ऑन वॉल एंड इट विल लुक ग्रेट। यहाँ मेरे पास जो प्लेट्स हैं मैंने उस पर डायरेक्टली ही पेंट करना स्टार्ट किया है। अगर आप चाहें तो आप एक लाइक बेस कोट दे सकते हैं आपके प्लेट को, जैसे कि ब्लैक कलर से आप पूरा उसको पेंट कर लें एंड देन उसके ऊपर किसी लाइट शेड के कलर से लाइक वाइट हो या येलो हो, इस तरह से अगर उस शेड से आप पेंट करते हैं तो वो और भी ज़्यादा खुल के दिखता है। बट ये वेरी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैंने जो पैटर्न्स लिए हैं वो प्लेट को पूरा कवर कर रहे हैं तो मुझे प्लेट को पूरा पेंट करने का ज़रूरत नहीं है बेस कोट में। आप चाहे तो जो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के आप प्लेट्स लेते हैं उसको डिफरेंट कलर्स का बेस कोट देके देन आप पेंटिंग स्टार्ट करें तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको शेड्स मिलेंगे वॉल पर कलरफुल, तो बहुत अच्छा लुक देता है, एक रॉयल लुक देता है। इस पेंटिंग में मैंने कोन यूज़ किया है। इसका रीज़न इतना है कि मैं मेरे डिज़ाइन जो भी पैटर्न्स हैं मैं प्लेट्स के ऊपर बना रही हूँ उसको एक हिना पैटर्न देना चाहती थी, इसलिए मैंने कोन्स यूज़ किए हैं। आप अगर चाहें तो डायरेक्टली ब्रश से स्टार्ट कर सकते हैं बट ब्रश में आपको एक जो लुक देता है ना 3D जैसे हिना पे होता है वैसा नहीं आएगा। तो अगर आप उसको थोड़ा इससे 3D लुक देना चाहते हैं तो आप कोन यूज़ कर सकते हैं और एल्स यू कैन यूज़ ब्रश ऑल्सो। मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे होंगे जो बिगिनर हैं एक्चुअली, जिनको डिज़ाइनिंग डायरेक्टली नहीं हो पाता है, तो उन लोगों के लिए एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि आप पेंटिंग स्टार्ट करने के पहले पेंसिल से प्लेट पर जो भी रॉ डिज़ाइन है आपका वो ड्रॉ कर लीजिए एंड देन उसके बाद में आप पेंटिंग स्टार्ट कीजिए। तो इससे ये होगा कि आपको कोन चलाने में
बहुत इजीली आप उसको चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा कोन चलाने में, और थोड़ा फास्ट भी हो जाता है बिकॉज़ डिज़ाइन ऑलरेडी उसमें ड्रॉ रहता है, आपको सिर्फ उसके ऊपर कोन चलाना होता है, सो इट विल गेट ईजी। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में मेरे डेफिनेटली बताऊंगी कि आप डॉट पेंटिंग किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में डेफिनेटली मैं बताऊंगी उस बारे में। लेकिन फ़िलहाल मेरे लास्ट वीडियो में जब मैंने स्टोन पेंटिंग किया था तो मैंने ईयरबर्ड का यूज़ किया था, तो वो ईयरबर्ड्स का यूज़ करके आप डॉट्स बना सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली किसी भी पेंसिल का जो शार्प नोक होता है ना, उस वहाँ से भी आप उसको डॉट दे सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप और भी ऐसी तरह से क्रिएटिव चीज़ें सीखना चाहते हैं तो।